जो है लेकिन लास्ट से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कृष्णा सिंह है और आइए हम आपको इसमें रिलेटिव लास्ट के बेसिस बताते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लास्टिक होता क्या हम आपको बता रहे। सपोज करिए हमारे पास एक कोई बॉल है जो इधर मूव कर रही है बी ए लास्टिक से, दूसरी बॉल है बी है जो इधर मूव कर रही है बी बी लास्टिक से। अच्छा जैसे इसमें एक वर्ड यूज करते हैं बी ए बी, इसका मतलब क्या होता है बी ए माइनस बी बी, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। रिलेटिव लास्टिक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए बी, ये क्या है रिलेटिव लास्टिक या ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जब बी रुका हो तो ए चल रहा है। सिंपल सी बात है, दो चीज है कि बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है, या आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज इन रेस्ट। सिंपल सी बात है, जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं मान लीजिए हमारे पास बी ए है, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए यहाँ पे दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ए बी माइनस टाइम बी ए होता है। अच्छा वेलोसिटी बेसिक हो गया था ऐसा हमें करना होता है, लेकिन इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास बी ए है ये 100 से इधर जा रहा है और बी बी जो है ये 80 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है इस साइड और ये किलोमीटर पर आवर से। अब हमें क्या करना है इसमें फिजिकली देखना है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बी ए बी इसका मतलब क्या हुआ बी ए माइनस बी बी, आप कह सकते हैं 100 माइनस 80 इसका मतलब 20 किलोमीटर बराबर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सिंपल सी बात है 100 माइनस 80 हम करेंगे और 20 प्लस आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ए है वो बी की तरफ जा रहा है, ए हमारा बी की तरफ जा रहा है। अच्छा इसी को अगर हम बात करें कि बी ए तो आप देखेंगे बी की बी बी माइनस क्या होगा बी ए, तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस 100 इसका मतलब क्या हुआ आप देखिए कि ए रुका हुआ है और बी 20 से उसकी तरफ आ रहा है, ये होता है बेसिकली रिलेटिव लास्टिक। अच्छा सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कोई हो गया हमारे पास एक सिंपल सा है कि इसका जो असली यूज होता है वो बड़े बड़े वेक्टर में वेक्टर की हेल्प से होता है। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि हमारे पास एक बॉडी है ऐसे सिंपल सा है, तो ऐसा वो आई फंडामेंटल नहीं है आपको समझ में आ रहा है इसकी ये ए है इधर जा रहा है मान लीजिए जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से ठीक है और ये इधर जा रहा है तो ये होगा 3 मीटर पर सेकेंड से ठीक है। यहाँ पे जो बी ए लिखेंगे वो एस लिखेंगे 4i के मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और बी की बात करेंगे तो ये होगा बी ए एक्सिस ठीक। अच्छा जैसे हम ए बी लिखेंगे आप बताइए क्या आएगा बी ए माइनस बी, यहाँ पे हम लिखेंगे 4i है माइनस 3j है 3j है, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया, लेकिन जैसे ही हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ये ऐसे आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर लगा जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर ओवर 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक तरीका हो गया, लेकिन बेसिकली इसका जो असली यूज है हम लोग करते हैं बहुत रिलेटिव लास्ट की हेल्प से जब भी किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको आप मान के बेस्ट है और कोई उसके दिमाग में रख देते हैं। चलिए आज हम आपको इस केस का यूज जो है असली असल जो असली यूज है वो हम बड़ी बार बहुत बार करते हैं ठीक है। सुनिएगा अब बड़ी बार एंड बहुत बड़ी बार और रिवर जो है फ्लो कर रहा है और इनके विड्थ क्या है
इसमें सबसे पहले क्या होता है वी आर, इसको होता है वेलोसिटी ऑफ बोट, या कह सकते हैं इसको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, बीबी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ, तो गलत हो गया कर रहे हैं। अच्छा इसमें
to cross the river, तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये सीधा चला जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो भी साइन इनकम हो जाएगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंडीशन जीरो आएगा, पी मीन की बात किया जाए तो वो क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन पी वी आर वी वी आर, ये हमारा सारे सूत्रों का टाइम आ गया। अच्छा, ये आने के बाद अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक वर्ड ड्रिफ्ट मान लीजिए, हम इसको थोड़ी सी मान लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। तो जब वो उसमें सी पे जाता है तो ये बी सी जो होता है इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो चलिए प्रोसेस के बारे में करते हैं। जिसकी वजह से हम ये बता देंगे आपको ये ए से बी पे कैसे।